अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं फिक्स डोज इंजेक्टर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम मुर्गियां बहुत सारी रखते हैं या फिर लेयर फार्मिंग के लिए रखते हैं या फिर शौकिया तौर पर हमारे पास में कुछ महंगी महंगी मुर्गियाँ होती है या फिर हम एचरी का बिज़नेस करते हैं, जैसा अंडों में से बच्चे निकाल के सेल करने का बिज़नेस करते हैं, तो हमारा ये काम होता है जब हम बच्चा एक दिन का होता है तो उसको जो पहले मैरेक्स जो लस होती है वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो हमें फिक्स डोज इंजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, इससे जो हमारा काम जो है फास्ट होता है और जिसकी टाइमिंग की भी बहुत सारी बचत होती है, क्योंकि ये एक फिक्स डोज इंजेक्टर होता है। इसके लिए इसमें बार बार हमें सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जितना हमको एक बार सेट करना है कर लीजिए। इसमें पिस्टन आता हुआ का हम आगे देखने वाले किस तरीके से सेट करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वैकमैन का कंपनी का जो फिक्स डोज इंजेक्टर है, तो ये किस काम में हमें आता है और ये लेना हमें क्यों ज़रूरी होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। फिक्स डोज इंजेक्टर का काम ये होता है कि अगर आपके पास में क्वांटिटी में मुर्गियाँ या फिर आप क्वांटिटी में किसी को वैक्सीन, कोई बर्ड्स को वैक्सीन कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है फिक्स डोज इंजेक्टर हमें बहुत काम आता है, क्योंकि इसमें एक फिक्स यानी एक क्वांटिटी होती है जो हमें फिक्स, जो भी हमें क्वांटिटी है इसमें फिक्स कर लो मेडिसिन की, उतनी ही जो है अपने जो बर्ड्स के अंदर में वो इंजेक्ट होती है। तो इसके लिए ये फिक्स डोज इंजेक्टर जो हमें बहुत काम में आता है, इससे आप लेयर फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप हैचरी का बिजनेस करते हैं, चूज़े निकालते हैं, तो जो जब चूज़ा निकलता है तो उनको पहले दिन में जो है मैरिक लस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में भी आप जो इसका फिक्स डोज इंजेक्टर जो है हमारा वैकमैन कंपनी का, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, जैसा कि आपको आगे दिखने ही वाली है। इसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। और ये हमें कहाँ मिलने वाला है ये भी मैं बता दूंगा आपको। इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आता है तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर चल रहा है, आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा पूरा गाइडेंस करूँगा कि इसको किस तरीके से ऑनलाइन बाय करना है। तो चलिए देखते हैं इसको अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। आप देख रहे हैं ये हमारे सामने वैकमैन कंपनी का फिक्स डोज इंजेक्टर, जो कि इसका मॉडल नंबर है PV3, और इसके अंदर में जो फिक्स डोज का सिस्टम है वो है पिस्टन के ज़रिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर में हमें 7 डिफरेंस पिस्टन मिल जाते हैं अलग अलग साइज़ में, उसके भी बारे में हम बताएंगे कौन कौन से साइज़ है, जो हमें 6 अलग से मिलते हैं और एक जो हमारा वैक्सीनेटर के अंदर में आता है। तो इसको जो बोलते हैं हम उसको ऑटोमेटिक वैक्सीनेटर भी बोलते हैं और फिक्स डोज इंजेक्टर भी कहते हैं इसे। तो इसको अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके अंदर में हम देखेंगे ये किसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है और हमें ये कहाँ से मिल जाएगा। तो इसे जो है हमने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह से, उसका लिंक आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख लीजिए एक बार, हम सब आपको बताने वाले। तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है इसके अंदर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है वाइशर मिलते हैं बहुत सारे हमें अलग एक्स्ट्रा के, तो ये क्यों मिलते हैं इसके भी हम आगे बताने वाले आपको। और इसके अंदर में हमको जो है 2 निडल्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 निडल्स है, एक ये हमारे निडल्स है, ये जो है 18 गेज की जो है निडल्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मोबाइल के अंदर में। और एक जो निडल्स आती है वो है हमारी 20 गेज की, तो ये 2 अलग अलग आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये हमें 2 नीडल्स मिल जाते हैं अलग अलग, एक जो है हमारी 20 गेज की और एक 18 गेज की, तो ये 2 डिफरेंस साइज़ के जो नीडल्स है। और उसके बाद में जो है हमारे ये जो इसमें वाइसर मिल जाते हैं अलग अलग, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है पिस्टन के ऊपर लगाने में, और जो हमारा गन है वैक्सीनेटर उसके अंदर में भी, अगर इनकेस कभी कुछ ख़राबी आती है वैक्सीन में तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए कंपनी ने जो हमें ये एक्स्ट्रा के दिए हैं। उसके बाद में ये आते हैं हमारे पिस्टन जो कि फिक्स डोज के, जैसा कि मैंने आपको बताया ये 6 पिस्टन है, एक हमारा जो वैक्सीनेटर के अंदर में आता है, तो ये 6 अलग अलग जो है डिफरेंट साइज़ में हमको मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अलग अलग साइज़ के अंदर में हमें मिल जाते हैं। तो इसका जो साइज़ होता है वो 0.6 जो होता है वो वैक्सीनेटर के अंदर में होता है लगा हुआ, और जो दूसरा आता है हमारा 0.4 आता है, 0.3 आता है, 0.2 आता है, 0.75 आता है, और 0.25 आता है, 0.15 आता है।
तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में हमें मिल जाती है। तो ये हमें वैक्सीन जो भी हमें जिस साइज़ में भी करना है होता है, जैसे 0.6 हमें वैक्सीन करना है पोल्ट्री के अंदर, तो ये हमें लगा दे और बस करते कंटिन्यू करते जाए। तो वो एक फिक्स डोज होती है जो पोल्ट्री के हमारे जो बर्ड्स होता है उसके बॉडी में इंजेक्ट होती है। तो इसको किस तरीके से लगाना है उसके भी बारे में हम बताएं बात करने वाले आगे। और ये एक एलन की दी हुई थी है, इससे हमें इसको लगाना फिट करना होता है, तो वो भी हम देखने वाले आगे। उसके बाद में हमें मिल जाती है एक बॉटल, अगर हम छोटे इसमें अगर वैक्सीन कर रहे हैं या फिर हमारे पास में ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं है, कम है, या फिर हम शौकिया तौर पे मुर्गियाँ पालते हैं बहुत सारी, तो उनको वैक्सीन करने के लिए ये एक कंपनी ने बोतल दी है। इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें हमें जो है वैक्सीन हमारी जो है वो वैक्सीन डालना होता है और उसको फिर क्लोज करके हमें इससे इसके ऊपर में फिट करके इसको वैक्सीन करना होता है। ये किस तरीके से फिट होती है और वो भी हम आगे बताने वाले हैं आपको। उसके बाद में हमें मिल जाता है एक स्क्रू ड्राइवर जो कि हमें इसके काम में आता है खोलने वगैरह के। उसके बाद में हमारे एक और एक ये टूल मिल जाता है। तो ये जो टूल है ये हमारा जो सीरिन होता है उसको फिट करने के लिए या फिर खोलने के लिए जो ये यूज़ में आता है। उसके बाद में हमें मिल जाता है ऑयल, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे इसके अंदर में। जब भी हम कोई वैक्सीन करते हैं तो इसको क्लीन करना होता है। क्लीन करने के बाद जो है एक बूंद जो हमें इसमें जो इसके पिस्टन होता है उसके ऊपर में ये ऑयल लगाना होता है। वो किस तरीके से लगाना है, क्लीन किस तरीके से करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पूरा बताने वाले। उसके बाद में ये है अब ये जो है हमारी फिक्स डोज वैक्सीनेटर गन है, जिसे हम फिक्स डोज इंजेक्टर भी कहते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और वेट भी अच्छा है इसका, हैवी है, तो और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये फिक्स डोज वैक्सीनेटर होता है, तो इसी के देखे उसके मैं बताने वाले आपको किस तरीके से इसमें जो हमारे पिस्टन होते हैं उसको हमें इंजेक्ट करना होता है, किस तरीके से उसको फिट करना होता है और वैक्सीन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हमारे पास में कम मुर्गियाँ है छोटे इसमें अगर शौकिया तौर पर मुर्गियाँ है तो उनको हम किस तरीके से वैक्सीन करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया ये एक बॉटल आती है छोटे वैक्सीन के लिए, तो इसको हमें इसके ऊपर में फिट करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से ही हमें फिट करना होता है। भाई ये इस तरीके से फिट हो जाती है हमारी जो है ये गन, अभी तैयार होगी। इसके में हमें जो फिर नीडल्स लगाना होता है, नीडल्स लगाने का भी बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से नीडल पकड़ना है हमें और बस इसको गोल घुमा देना है। तो ये नीडल जो हमारी लग गई है, देखे जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये हमें बस इंजेक्ट हमें जो पोल्ट्री फार्म है हमारा जो भी जिसको भी वैक्सीन करना है उसमें ये हमें इंजेक्ट करना होता है। तो इसके अंदर में हमें मेडिसिन डालना होता है, जो भी हमारी मेडिसिन हम जो भी वैक्सीन हमारे मुर्गियों को कर रहे हैं इसके अंदर में हम उसको इंजेक्ट करना होता है, और उसकी जो कैप होती है उसको हमें बंद कर देना होता है इस तरीके से। और फिर हमारी जो वैक्सीन होती है वो कंटिन्यू में एक फिक्स जो डोज हमने इसमें लगाया है वो कंटिन्यू हमारे हर मुर्गी को हर बर्ड्स को जो है सेम जो क्वांटिटी में वो मिलता जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अगर हमारे पास में ज़्यादा मुर्गियाँ हैं, जैसे हम बहुत हैचरी का बिजनेस करते हैं या फिर बड़े पैमाने पे हमारे पास में क्वांटिटी में जो मुर्गियाँ है तो उनको किस तरीके से वैक्सीन करेंगे हम। तो इसके साथ में कंपनी ने हमें और एक चीज़ दी है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पाइप दिया है हमारे हमें जो हमारा जो भी जो बड़ा वैक्सीन हमें अगर करना है बड़े मात्रा में तो ये जो है उसमें डालना होता है, और ये जो इसका एक पाइप का वो सिरा होता है वो हमें इसमें लगाना होता है। ये काफ़ी आसान है जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसको लगाना होता है। बस ये लग गया है, इसके अंदर फिर हमारी वैक्सीन जो होती है वो जिस भी हम बॉटल वगैरह में रखते हैं उसमें ये हमें डाल देना होता है। फिर हमारी कंटिन्यू जो हम इसको वैक्सीन कर सकते हैं, ये बड़े अगर हम क्वांटिटी में मुर्गियों को वैक्सीन कर रहे तो उसके लिए ये पाइप जो हमारे काम में आता है। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसको निकालने का भी आसान तरीका इस तरीके से जो है इसको जो सीरिन होती है उसको घुमाए निकाले। तो अब हम बात करते हैं ये हमारा वैक्सीनेटर है, अगर हमें डोज फिक्स डोज का जो है इसको चेंज करना है तो किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। गन का जो सामने का पोजीशन होता है उसको हमें बस खोलना होता है, और ये हमारी पिस्टन, ये जो है पिस्टन है, अब ये 0.6 का हमें पिस्टन है मिला हुआ। तो बस हमें जो ये एलंकी मिली है इसको इसमें डालना होता है और इसको इस तरीके से घुमाना होता है।
तो ये इजीली जो है हमारा पिस्टन जो है खुल जाता है। बस इसको खोलना होता है और इसकी जगह जो हमारा दूसरा पिस्टन लग जाएगा, इसको इस तरीके से हमें टाइट कर देना होता है। इस तरीके से हम इसमें डिफरेंट साइज़ के जो पिस्टन होते हैं हमारे, जो मैंने जैसे आपको बताया ये पिस्टन हम इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एक एक पिस्टन, इसमें पिस्टन यूज़ करने के बाद, इसको लगाने के बाद इजीली है, इसको हमें बंद कर देना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको बस टाइट करना होता है। और इसमें फिर हमारा जो नीडल्स होता है, वो नीडल्स जो भी साइज़ का हमें करना है वो नीडल्स लगा दिए, और हमारे मुर्गियों को जो है कंटिन्यू में वैक्सीन करते रहे। अब बात करते हैं ये हमें क्यों लेना चाहिए। तो इसको लेने के दो तीन फायदे हैं। जैसा कि अगर हम लेते हैं वैक्सीन करना है, तो इससे जो है एक फिक्स डोज, एक फिक्स मात्रा में जो है हमारे मुर्गियों को जो है वैक्सीन सबको मिल जाती है इजीली, और हमारा जो टाइम है वो भी, टाइम भी हमारा जो है बच कुछ इस जाता तरह है। हमारा ये वैकमैन कंपनी का फिक्स डोज वैक्सीनेटर है, जिसकी वीडियो आपने पूरी देखी है, इसकी क्वालिटी आपने देखी है, तो माशाल्लाह इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं, घर बैठे अपने बुलवाना चाहते हैं, तो ये आपको इजीली अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इसे क्लिक करके ऑनलाइन बाय कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा था उस पर आप कॉन्टेक्ट करके हमसे डिटेल ले सकते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, किस तरीके से इसको बाय करना है। तो चलिए मिलते हैं आज की वीडियो में, बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।